दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के सारे क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि हाइड्रोजन की खोज, जो हाइड्रोजन होता है इसकी खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कवेंडिश ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन सी का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला है नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो होता है लगभग 2.2। अगला है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का, एनर्जी का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है जूल। ओके फैराडे के नियम से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो वो कौन सी होती है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। अगला शरीर का तो टेम्परेचर है किस जगह नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। ओके अगला दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों देखिए पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी होती है, जो कि जंगा की हड्डी होती है, जांग की। ओके और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज की थी वो की थी मोजले ने। ओके एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि एक अश्वशक्ति कितने बराबर होती है, या कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा की किसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के। ओके नेक्स्ट है कि संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो संतरे में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक एसिड, या हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के खट्टे जो पदार्थ होते हैं, या खट्टे फ्रूट्स होते हैं, पदार्थ नहीं कह सकते, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, या तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ओके नेक्स्ट है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में दो जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनकी संख्या 23-23 होती है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके नेक्स्ट बनता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। अगला बनता है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि शराब का पीएच मान कितना होता है, ये कल पूछा गया था, तो ये थोड़ा गलत मुझे डाउट लग रहा है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अगला इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो होता है अग्नाशय में। ओके अगला ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, और एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार होता है 16। तो एक बार दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग दोबारा से क्वेश्चन को देख लेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि हाइड्रोजन की खोज, जो हाइड्रोजन होता है इसकी खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कवेंडिश ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि विटामिन सी का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला है नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो होता है लगभग 2.2।
अगला है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एनर्जी का जो मात्रक होता है यूनिट होती है वो होती है जूल। ओके, फैराडे के नियम से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो वो कौन सी होती है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। अगला, शरीर का तो टेम्परेचर है किस जगह नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित होता है हाइपो थैलेमस में। ओके, अगला, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों देखिए, पहली सेप में पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी होती है, जो कि जंगा की हड्डी होती है, जांग की। ओके, और सेकंड सेप में जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज की थी वो की थी मोजले ने। ओके, एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि एक अश्वशक्ति कितने बराबर होती है, या कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा की किसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के। ओके, नेक्स्ट है कि संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो संतरे में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक एसिड, या हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के खट्टे जो पदार्थ होते हैं, या खट्टे फ्रूट्स होते हैं, पदार्थ नहीं कह सकते, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, या कह तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 2 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनकी संख्या 23-23 होती है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट बनता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। अगला बनता है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि शराब का पीएच मान कितना होता है, ये कल पूछा गया था, तो ये थोड़ा गलत मुझे डाउट लग रहा है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अगला, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो होता है अग्नाशय में। ओके, अगला, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, और एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार होता है 16। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो थैंक यू।